अस्सलाम वालेकुम ब्यूटी फ्रेंड्स, आज मैं अपने नेल पॉलिश से रिलेटेड आपको एक टिप बताने वाली हूँ। इनमें ये मेरा फेवरेट कलर है और ये सारी मेरी बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं, तो मैं इनके एक ऐसी टिप बताऊँगी जिससे बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल आपको स्वेदिंग नहीं हो जाएंगी। ये देखें, ड्राई होकर इनके कलर भी जो है वो अजीब अजीब से हो जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी टिप बताऊँगी कि आप अपनी फेवरेट नेल पॉलिशेस को फेंकने के बजाय इनको रिफ्रेश कर सकते हैं और इनके जो ड्राई हुई होती हैं जिनकी वजह से ख़राब हो जाती हैं वो बिल्कुल नहीं हो जाएंगी। ये हमारा पानी बॉयल हो रहा है। मैं आपको इससे नेल पॉलिशेस की जो टिप है सीक्रेट वो इससे रिलेटेड है। पहले हम अपने पानी को गर्म होने देते हैं। इसकी सीक्रेट टिप ये है कि जब पानी अच्छे से बॉयल हो जाए, ये देखिए इसमें से धुएं निकल रहा है, इतना गर्म पानी हो गया। अब हम नेल पॉलिशेस को इसके अंदर डिप कर देंगे। ऐसे डिप करना कि ये गिरे नहीं, ये थोड़ी देर पड़ी रहेंगी, आपने इनको छेड़ना नहीं है। अगर हल्की सी टेढ़ी भी हो जाए तो उससे कोई नहीं, आप अपने नेल पॉलिशेस का जो कैप है वो कस के बंद कीजिएगा ताकि ये गिरे ना इसके अंदर। और इससे पहले भी मैंने ये ट्राई की हुई है ये टिप, और ये टिप नेल पॉलिशेस के लिए बहुत अच्छी है। इसलिए नेल पॉलिशेस ऐसे फ्रेश हो जाती है और इतना प्यारा कलर रहता है, लगता है अभी बिल्कुल नहीं लिया। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको इसको जब ये ड्राई हो जाएगी, जब सही हो जाएंगे, मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगी। ये फेवरेट कलर है मेरा, जिसकी वजह से मैंने बाकी नेल पॉलिशेस को भी सही किया है। असल में ये ख़राब हो गया था, देख सकते हैं। मैंने नेल पॉलिशेस को बंद किया हुआ था अच्छे से, तो पानी के अंदर बिल्कुल भी नेल पॉलिशेस नहीं गिरी। अब मैं आपको इनको खोल के दिखाती हूँ, ये बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल सही होंगी। बस आपने इनको लगाने से पहले, जब आप इनको यूज़ करने लगेंगे ज़रा इस ये प्रोसेस करने के बाद, आपने इसको ज़रा इस तरह हिलाना है, उसके बाद आपने इनको यूज़ करना है। मैं आपको इनको खोल के दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल फ्रेश हो चुकी है। ये देखें किस तरह का कलर हमारे पास फ्रेश हो गया है। आपको इस पर लगा कर भी दिखाती हूँ, देखिए इतना प्यारा रेड कलर बन गया ये हमारे पास। आपको ये वाला कलर ट्राई करके दिखाती हूँ, ये वाला मेरा फेवरेट कलर है, कितना प्यारा है। असल में ये जिंक कलर है, शाइन वाला, ये वीडियो में ब्लू नज़र आ रहा है। इसी तरह आप ये डिप ट्राई करें अपने नेल पेंट्स के साथ, अपने फेवरेट नेल पेंट्स कलर के साथ, जो आपने बिल्कुल नए लिए हैं, किसी वजह से वो ख़राब हो गए हैं, यूज़ नहीं हो रहे। ये टिप बहुत अच्छी है। ये भी मेरा फेवरेट कलर है, ये पर्पल कलर है, शाइन वाला, ये बहुत प्यारा कलर है, जो आप बिल्कुल फ्रेश हो गया है। ये देख सकते हैं तीनों कलर बहुत प्यारे लग रहे हैं और बहुत फ्रेश हो गए हैं। आपको इनमें से फेवरेट कलर कौन सा लगा कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ये आखिरी कलर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पिंक सा शेड है, ये कितना प्यारा लग रहा है। इसकी ये बेनिफिट है कि ये पील ऑफ है, इसकी वजह से जब चाहे आप उतार लें जब चाहे लगा लें। और इनके शेड्स भी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। ज़्यादातर मेरे पास कॉस्मेटिक ही हैं, ये वाली मैंने कराची से ली थी और एक ये वाली भी मैंने कराची से ली थी। ये दोनों कलर भी बहुत प्यारे हैं। इनके साथ डेकोरेशन के लिए मैंने एक वाइट कलर लिया हुआ है, डेकोरेशन के बाद वाइट कलर बहुत प्यारा लगता है।